आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। शुभ प्रभात आप सभी को। और देखिए आज का मौसम, बादल पूरी घिरी हुई है लेकिन बारिश नहीं हुई। कल पूरे दिन और रात को भी बारिश नहीं हुई। अब आज तो दिखा रहा है वेदर रिपोर्ट में 100% बारिश, देखते हैं कब तक होगा। और बच्चे सब तो उठ गए हैं, मैं यहीं से देख लिए थे, सब फ्रेश होके और पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि कल से एग्ज़ाम उन लोग का, आज स्कूल गए नहीं हैं। कभी शशि को देखे हैं बैठा हुआ है पढ़ने के लिए यहीं से बरामदे पे, और मैं 10-15 मिनट और है, उस काल में चले जाऊंगा, फिर मैं भी फ्रेश होऊंगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी अभी चल रही है हमारी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो दोनों नहा धो के अपना पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। टी शर्ट तो पहन लो, अभी ठंड है। पूजा पाठ कर लिया है ना, सबसे तुम्हें टी शर्ट पहन लो तब करना, आराम से रिवीजन करो। तू भी नहा धो ली है, एक मैं ही बाकी हूँ, मैं तो अभी आया, तो मैं भी फ्रेश होऊंगा, उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे। चादर सभी ठीक कर दिया है बच्चों को, उठने के बाद सुबह से बाकी था स्नान ध्यान। सुबह सुबह नहीं, मेरा नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों को। अच्छा अच्छा, तो चाय पीते हैं फ्रेश होके, फिर मैं भी नहाने चला जाऊंगा। अच्छा, खाना खाने के बाद मैं सो गया था, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी और फिर आज भी नाइट ड्यूटी है, तो अभी कोई तरफ पहले उठाऊँ। नीतू घर का काम कर रही है और चाय बनाएंगे, फिर बच्चे सभी कभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। और आज का जो मौसम है अभी तक भी देखिए धूप, बारिश तो हुई नहीं और कितनी तेज़ धूप, आसमान तो इधर बिल्कुल साफ है, आगे जाके अभी बादल है। आज 100% बारिश का दिखा रहा था लेकिन अभी तक एक बूंद भी नहीं पड़ी और पूरा आसमान नीला नीला है। देखते हो क्या होता है, रात को होती है कि ना। अब आप लोग उस वक्त शाम में मिल रही है, तो शाम की ये देखिए चाय बन गई है हमारी, देखिए। तो हम लोग जा रहे हैं बैठ के चाय पियेंगे, बच्चे थोड़ी देर टीवी देख रहे हैं, उसके बाद वो लोग भी पढ़ने के लिए चले जाएंगे। और फाइनली बहुत दिनों के बाद ही ये दिन का इंतजार था मुझे, तो वो दिन आ ही गया है। एक बेटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने माँ बाप। तो बहुत दिनों से मैं अपने मम्मी पापा को बुला रही थी यहाँ पर वो नहीं आ रहे थे किसी ना किसी कारण बस, तो फाइनली वो लोग आ रहे हैं। कल तो दिल्ली पहुँच गए, पर दिल्ली में वो लोग एक दिन होल्ड कर लिए हैं क्योंकि थक गए थे, तो कल तो नहीं आए। आज वो लोग शिमला वाली बस पकड़ के, दिल्ली से शिमला वाली बस पकड़ के शिमला आ जाएंगे, फिर शिमला से यहाँ वाली बस पकड़ के यहाँ आ जाएंगे। तो कल दोपहर के बाद तक मेरे मम्मी पापा मेरे पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए, बहुत दिनों से इंतज़ार था मुझे इस दिन का, जो कब आएंगे। तो वो दिन आ ही गया, आ ही रहे हैं, मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, कल आ जाएंगे यहाँ पे। और बच्चे भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं जो कब आएंगे। हम मतलब हर एक सेकंड पे पूछ रहे हैं, मम्मी नाना जी कब बस पकड़ेंगे, नानी माँ कब बस पकड़ेंगी। तो बस वो दिन आ ही गया है, एक दिन को एक रात का और बात है, उसके बाद कल आ जाएंगे वो लोग भी। और देखिए हर्ष तो इस कमरे में पढ़ाई कर रहा है और शशि दूसरे वाले कमरे में पढ़ाई कर रहा है, और इधर नीतू रात का खाना बनाने में लगी हुई है, चूँकि मुझे ड्यूटी जाना भी खाना खा के, तो चलिए मैं भी खाना खा लेता रात का और फिर लेता हूँ विदा आप लोगों से। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।